इस वेले दी वड्डी खबर सिंघू बॉर्डर तो आ रही है जिथों किसान लीडर गुरनाम सिंह चड़ूनी ने हरियाणा दिल्ली हाईवे ते बने सारे होटल ढाबे ते पेट्रोल पंप मालकां नूं समां रहिंदे जागण दी अपील कीती है। उन्हां कहा कि जे तुसीं ना जागे तां प्रशासन तुहाडी रोजी रोटी खो लएगा। दरअसल पिछले दो दिन तो गोल्डन हट ढाबे दे मालक राम सिंह राणा नूं हरियाणा प्रशासन वल्लों परेशान करन दे यतन कीते जा रहे ने। राणा दा सिंघू बॉर्डर वाला ढाबा तां 7 महीनियां तों राणा ने आप ही बंद कर रख्या है किसानां दी मदद खातर, पर दूजे कुरुक्षेत्र वाले ढाबे दे बाहर परसों पुलिस ने पत्थर सुट के ते बैरीकेड ला के इस दा राह रोक दित्ता सी ताकि ढाबे दे अंदर कोई भी गाहक ना जा सके। साथियो, जैसा दो दिन से चल रहा है कि गोल्डन ढाबा के आगे उन्होंने बैरीकेड लगा दिए हैं, पत्थर लगा दिए हैं और काफी दो दिन से मीडिया पे चल रहा है, वो किसानों की बहुत सेवा कर रहा था। साथियों, अब मालूम हुआ है कि पानीपत से लेके और जलंधर तक वो सब के आगे पत्थर लगा रहे हैं। जितने भी कट हैं उन सब को बंद कर रहे हैं, जितने होटलों के आगे या पेट्रोल पंपों के आगे वो सब कट बंद कर रहे हैं। साथियों, अगर पूरे जीटी रोड के सारे कट बंद कर दिए जाते हैं तो सारे पेट्रोल पंप और सारे ढाबे एक तरह से बंद हो जाएंगे, कई कई किलोमीटर तक लगातार कट नहीं है। तो साथियों, अच्छा है मैं ढाबों वालों से और पेट्रोल पंप वालों से, पानीपत से जलंधर तक जितने भी ढाबे और जितने भी पेट्रोल पंप हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अभी जाग जाए, अभी मौका है। एक बार बंद हो गए तो फिर दोबारा से बड़ी मुश्किल हो जाएगी, अभी मौका है, अभी जाग जाए। और इसका मतलब मेरी समझ में एक और ये आ रहा है कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ढाबे जानबूझ के बंद कराए जा रहे हैं, आगे कंपनियां ढाबे खोलेंगी और आपको 100 रुपए का चाय का कप मिलेगा। ढाबे मतलब मेरे को ये मालूम हुआ है कि कहीं कहीं इन्होंने पहले ही जमीन ली हुई है या आगे लेंगे तो वहां पे लेंगे जहां पे कट है। राम सिंह राणा दा कुरुक्षेत्र वाला ढाबा बंद करन दे रोस विच किसान भी इत्थे कट्ठे होए 20 मिंट लई संकेतक हड़ताल कीती, थोड़ा जिहा जाम भी लग गया सी ते प्रशासन नूं चेतावनी दित्ती है किसान मोर्चे दे लीडरां ने कि जे उहनां दे हमायतियां नूं तंग परेशान करना बंद ना कीता गया तां असीं वड्डा संघर्ष विढ देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट दा खालस टीवी।